Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students of 9th class, hope you are fine with the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. Dear students, humne kal jo hai nervous system ka jo hai study shuru kar di thi aur usme humne brain ka introduction padha tha ke brain hamari skull mein cranium ke andar aur phir usme three layers hoti hai meninges jinka naam hai inke andar protected hota hai aur kafi sensitive part of body hai. तो इसीलिए अल्लाह ताला ने उसके लिए इंतज़ाम भी इस तरह का किया है. अब जो है हम आज के लेसन में डिवीजंस ऑफ ब्रेन को पढ़ने जा रहे हैं और उसमें हम उसकी फर्स्ट डिवीजन को आज स्टडी करेंगे. तो देर आर थ्री बेसिकली मेजर रीजन्स इन द ब्रेन एंड दीज आर कॉल्ड द डिवीजंस ऑफ द ब्रेन एंड देयर नेम्स आर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ लुक ऑन द पिक्चर ऑफ ऑन द डायग्राम ऑफ ब्रेन. इसमें आपको मेन जो नज़र आ रहा है वो फोर ब्रेन नज़र आएगा. ठीक है. और उसके बाद जो उससे स्मॉल पार्ट है वो मिड ब्रेन है और फिर बैक साइड पे सबसे नीचे स्पाइनल कॉर्ड के साथ जो अटैच्ड पार्ट है वो हाइंड ब्रेन है. ठीक है. सो फोर ब्रेन इज़ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ ब्रेन. इट इज़ मोस्ट हाईली डिवेलप्ड इन ह्यूमन्स. ओके. So there are three regions in the forebrain. Number one, thalamus. Number two, hypothalamus. And number three, cerebrum. Okay. So students, we take a look and we study about them one by one. First of all, we learn about thalamus. What is thalamus? Thalamus is lies just below cerebrum. ठीक है. Cerebrum ये सारा part और इसके नीचे just इसके नीचे जो है वो thalamus मौजूद है ये. ठीक है. एंड इट सर्व्स, इसका फंक्शन बताया जा रहा है एज अ रिले सेंटर बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है. रिले सेंटर मीन्स के कनेक्शन है ये बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है. उनको ये कनेक्ट करता है. इट आल्सो रिसीव्स एंड मॉडिफाइज सेंसरी इंपल्सेस एक्सेप्ट फ्रॉम नोज बिफोर दे ट्रेवल टू सेरिब्रम. सेरिब्रम में तो सारे सेंसरी इंपल्सेज आते ही हैं लेकिन उससे पहले थैलेमस जो है ये इनको रिसीव करता है. और सेंसरी इंपल्सेस क्या हो सकते हैं? जो सेंस ऑर्गन्स नर्व इंपल्सेस सेंड करते हैं और इसमें एक्सेप्शन है नोज़ को, यानी नोज़ के अलावा बाकी जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं वहाँ से इंपल्सेस आते हैं और ये उनको रिसीव करते हैं. ठीक है. इसके अलावा थैलेमस का इन्वॉल्वमेंट पेन परसेप्शन के अंदर भी है. ठीक है. यानी दर्द की जो फीलिंग है और कॉन्शियसनेस के साथ भी है हमारे, जिसमें स्लीपिंग एंड अवेकनिंग का प्रोसेस आता है. ठीक है. सोने और जागने का अमल आता है. सो दीज फंक्शंस आर एसोसिएटेड विद द थैलेमस. नाउ अबाउट हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस लाइज अबव द मिड ब्रेन एंड जस्ट बिलो थैलेमस. ठीक है. ये डायग्राम में आप देखिए तो थैलेमस के ही नीचे आपको हाइपोथैलेमस नज़र आएगा और ये मिड ब्रेन के करीब होता है. ठीक है. इसके अलावा अगर इसके साइज़ की बात करें, इट इज़ रफली द साइज़ ऑफ एन एलमंड. ठीक है. एक बादाम के साइज़ के मुताबिक के करीब करीब इसका साइज़ होता है. और इसके फंक्शंस की बात करें तो इसका मेन फंक्शन क्या है? लिंक नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. ठीक है. एंडोक्राइन सिस्टम आप इस चैप्टर में इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे. नर्वस सिस्टम के अलावा जो हमारी बॉडी में दूसरा कोऑर्डिनेशन का सिस्टम है वो एंडोक्राइन सिस्टम है और ये इनके दरमियान लिंक प्रोवाइड करता है. उसके अलावा कंट्रोल्स द सेक्रीशंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड एक ग्लैंड है जो हमारे ब्रेन के अंदर ही मौजूद है. ये फिगर में नज़र आ रहा है. ठीक है. इसका भी टॉपिक इंशाल्लाह आगे आएगा. सो इसकी सेक्रीशंस को भी कंट्रोल करना हाइपोथैलेमस का फंक्शन है. और इसके अलावा इट ऑल्सो कंट्रोल्स फीलिंग्स सच एज रेज, पेन, प्लेयर, सोरो. ठीक है. इस तरह की जितनी भी फीलिंग्स हैं उनको भी ये कंट्रोल करता है. उसके बाद सेरिब्रम जो थर्ड एंड लास्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन है एंड इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन. और इसके फंक्शंस भी काफ़ी ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस पार्ट्स ऑफ फोर ब्रेन. फर्स्ट ऑफ ऑल इट कंट्रोल्स स्केलेटल मसल्स. ठीक है. मसल्स, स्केलेटल मसल्स आपने चैप्टर नंबर फोर 9th क्लास में पढ़े थे. ठीक है. दीज आर द मसल्स बेसिकली. दीज आर द टिश्यूज विच आर अटैच टू द आवर बॉन्स. ओके. इसके अलावा थिंकिंग को कंट्रोल करना, इंटेलिजेंस को, इमोशंस को कंट्रोल करना भी जो है सेरिब्रम की इसमें आता है, फंक्शंस में आता है. और इसके डिवीजन की बात करें तो दो इसके हेमिस्फीयर्स हैं,
हेमिस्फीयर कहते हैं हाफ ऑफ द स्फीयर को, ठीक है। तो द इंटीरियर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी बल्ब्स विच रिसीव इम्पल्सिस फ्रॉम ऑल्फैक्टरी नर्व्स एंड क्रिएट द सेंसेशन ऑफ स्मेल। तो हमने थैलेमस के अंदर पढ़ा था कि थैलेमस जो है वो सारे सेंसरी ऑर्गन्स को रिसीव करता है सिवाय सेंस ऑफ स्मेल के, यानी नोज़ के अलावा हर जगह से वो मैसेज रिसीव करता है। तो नोज़ जो है, जो सेंसेशन ऑफ स्मेल है, उसका ताल्लुक जो है वो डायरेक्टली सेरिब्रम के साथ है, और सेरिब्रम के जो इंटीरियर जो पार्ट हैं, अगला जो हिस्सा है उसमें सेरिब्रल हेमिस्फीयर में ऑल्फैक्टरी बल्ब्स हैं जो ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सेरिब्रम की मज़ीद डिटेल पे कि अपर लेयर ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर दैट इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंसिस्ट्स ऑफ ग्रे मैटर, ठीक है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर की जो अपर लेयर है वो ग्रे कलर के मैटर में मुश्तमिल होती है, और ग्रे मैटर में कौन किस तरह के सेल होते हैं, दे कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडीज एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सन्स, ठीक है। एक्सन्स के ऊपर हमने पढ़ी थी नर्व सेल के अंदर माइलिन शीथ होती है, ठीक है। तो यहाँ जो ग्रे मैटर के अंदर सेल्स हैं उनमें ये माइलिन शीथ नहीं होती, ठीक है। लेकिन जो इसकी निचली लेयर है वो वाइट कलर के मैटर से बनी हुई है और उसके अंदर माइलिनेटेड एक्सन्स होते हैं, ठीक है। इस बार स्टूडेंट सेरिब्रल कॉर्टेक्स की बात करें तो इसमें एरिया वाइज सबसे लार्ज एरिया ऑफ द ब्रेन सेरिब्रल कॉर्टेक्स में होता है, और ये फोल्डिंग्स की सूरत में यानी कि फिट हुआ होता है स्कल के अंदर, पैक हुआ होता है, ठीक है। इसीलिए जितना भी ये सर्जरी है रिलेटेड टू द ब्रेन, ये बड़ी जो है वो डेंजरस होती है और बड़ी जो है इसमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, सिर्फ इसी वजह से कि हर पार्ट ऑफ जो हर फोल्डिंग है सेरिब्रम की वो किसी ना किसी सेंसरी ऑर्गन से अटैच्ड है, और अगर खुदा ना खास्ता सर्जरी के दौरान कोई ज़रा सा भी प्रॉब्लम आता है तो इंसान का प्रॉपर एक जो है पार्ट ऑफ बॉडी वो डैमेज हो सकता है, यानी कि वो अपना काम वर्किंग छोड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर फोर लोब्स की बात करें, चार के अंदर पार्ट्स होते हैं, ठीक है। उसमें फ्रंटल लोब जो है फ्रंटल लोब्स जो हैं इसके बारे में बात करें, कंट्रोल द मोटर फंक्शंस, परमिट्स कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स एंड कोऑर्डिनेट्स मूवमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन स्पीच, ठीक है। यानी कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स, आप जानते हैं स्टूडेंट्स के स्केलेटल मसल्स जो हैं वो हमारे कॉन्शियस के अंदर आते हैं, उनकी मूवमेंट जो है वो हमारे इरादे से होती है, ठीक है। इसके अलावा जब हम बोल रहे होते हैं तो हम बॉडी मूवमेंट अपने जो है एक हमारी एक बॉडी लैंग्वेज होती है, सो उस बॉडी लैंग्वेज को भी ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है। यानी हमारी मूवमेंट से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं वो ये फ्रंटल लोब में कंट्रोल किए जाते हैं। इसके बाद पैरिटल लोब है, और इसका काम क्या है, इट कंटेन्स सेंसरी एरियाज दैट रिसीव इम्पल्सिस फ्रॉम स्किन, ठीक है। तो ये हमारी स्किन से रिलेटेड जितने भी नर्व इम्पल्सिस हैं ये उनको रिसीव करते हैं। उसके बाद ऑक्सीपिटल लोब है, और इसका काम विजुअल इंफॉर्मेशन को रिसीव और एनालाइज करना है, ठीक है, कि हम इंसान क्या व्यू कर रहे हैं, ठीक है। इसका ताल्लुक हमारी आंख के रेटिना से होता है। इसके बाद टेम्पोरल लोब है, और इसका कंसर्न जो है इसका हियरिंग और स्मेल के साथ है। तो आप देखते हैं इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे सारे के सारे जो सेंसरी फंक्शंस हैं वो सारे के सारे इन फोर लोब्स के अंदर अंडर कंट्रोल में हैं। और आप डायग्राम में देख सकते हैं, दिस इज फ्रंटल लोब, दिस इज पैरिटल लोब, दिस इज ऑक्सीपिटल लोब एंड दिस इज टेम्पोरल लोब, ठीक है। तो ये चारों लोब्स हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर, ये चारों पार्ट्स फैले हुए हैं। तो आज के लेसन में हमने बच्चों डिवीजंस ऑफ ब्रेन को पढ़ा, और इसमें सबसे पहली जो डिवीजन है वो फोर ब्रेन है, जिसके बारे में हमने आज डिटेल पढ़ी है, और इसमें तीन पार्ट्स हैं थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम। हमने इन तीनों पार्ट्स की डिटेल्स को पढ़ा कि इनकी लोकेशन कहाँ पे है ब्रेन के अंदर, और ये वहाँ पर कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो आप लोगों ने आज के होमवर्क में इस लेसन को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है, फोर ब्रेन के ऊपर आपने नोट प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। इंशाल्लाह कल हम इसके बाकी जो दो डिवीजन्स हैं ब्रेन की उनको स्टडी करके ब्रेन का टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।